A wonderful good morning everyone. I'm your GK teacher from Premchand Memorial Public School. So students, today we will learn GK. Okay? So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. You just come on page number 12. Okay? So on page number 12, chapter 6 is given. Okay? Which is natural balance. Green plants are beneficial for human beings. They absorb carbon dioxide and release oxygen to maintain the natural balance. So students, जो green plants होते हैं वो बहुत ही beneficial होते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये carbon dioxide absorb करते हैं and oxygen release करते हैं, मतलब छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, जो नेचुरल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. दे ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी वेज, और वो हमें और काफ़ी सारे तरीके से हमें हेल्प करते हैं. सो व्हाट दीज आर, वी विल लर्न. मैच द फॉलोइंग प्लांट्स विद देयर वेरियस यूजेस. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सम प्लांट्स नेम आर गिवन हियर, ओके? सो वी हैव टू मैच देम विद देयर यूजेस. हमें क्या करना है, उनको उनके यूजेस के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट इज सैप ऑफ रबर ट्री. सो इट विल मैच विद एफ, ओके? एफ विच इज रबर. हमें क्या मिलता है इस ट्री से, हमें मिलता है रबर, ओके? नेक्स्ट इज कोकोनट ट्री. सो इट विल मैच विद डी. हमें कोकोनट ट्री से क्या मिलता है, वी गेट ऑयल एंड स्वीट वाटर, ओके? थर्ड इज टी ट्री, ओके? सो इट विल मैच विद आई, ओके? वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम टी ट्री, ओके? नेक्स्ट इज टी प्लांट. टी प्लांट विल मैच विद बी, बिकॉज टी प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें टी मिलती है, ओके? नेक्स्ट इज कॉटन प्लांट. सो कॉटन प्लांट विल मैच विद जे, क्योंकि कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलेगा, क्लॉथ्स मिलेंगे, ओके? जो रुई होती है, कॉटन होती है, उससे क्या होता है, हम सूत काटते हैं, राइट? फिर हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, ओके? नेक्स्ट इज सैंडलवुड ट्री. सो सैंडलवुड ट्री से हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है सोप, परफ्यूम एटसेट्रा, राइट? सो इट विल मैच विद ए, ओके? नेक्स्ट इज बैम्बू ग्रास. सो बैम्बू ग्रास विल मैच विद एच, ओके? नेक्स्ट इज पाल्म लीव्स. सो इट विल मैच विद जी, ओके? इससे हमें क्या मिलता है, रूफ एच मिलता है, ओके? नेक्स्ट इज बनाना. बनाना विल मैच विद ई, ओके? ये किससे मैच होगा, ई से, क्योंकि हमें बनाना से क्या मिलता है, लीव्स सर्व एज प्लेट्स, हमें उससे लीव्स मिलती हैं, ओके? बनाना तो हमें खाने के लिए मिलता है, बट इससे हमें क्या मिलता है, हमें उसकी लीव्स भी मिलती हैं, जिनको हम एज अ प्लेट्स यूज करते हैं, ओके? नेक्स्ट इज टैमरिंड. सो इट विल मैच विद सी, ओके? सो वी गेट विद दिस ट्री वेरी सॉर फ्रूट, ओके? नाउ कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर विच इज 7, ओके? द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल किंगडम, ओके? दिस चैप्टर इज गिवन ऑन पेज नंबर 13, ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, वॉट इज गिवन ऑन दिस पेज नंबर, हाउ विल डू यू नो द एनिमल वर्ल्ड, मीन्स आप एनिमल वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो? टू फाइंड आउट
करेक्ट आंसर। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हैं हमें उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों के किंगडम होते हैं वैसे ही एनिमल्स का भी किंगडम होता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रेफर्स टू अ लेयर ऑफ फैट दैट हेल्प्स एनिमल्स सच एज वॉलरसेस सील्स एंड पेंगुइन्स कीप वार्म। सो स्टूडेंट्स वो कौन सी लेयर है जो इन एनिमल्स को क्या रखती है, गर्म रखती है, वार्म रखती है। ठीक है, वो कौन सी चीज है, दैट इज ब्लबर। ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिनका ब्लड कोल्ड होता है, ठंडा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट रियली अ बियर। इनमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो बियर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज कोला बियर। ओके नेक्स्ट इज विच मेंबर ऑफ द बिग कैट फैमिली हैज स्पीसीज कॉल्ड द इंडियन एंड द साइबेरियन। अब इसमें क्या पूछा है स्टूडेंट्स, कौन सा मेंबर है बिग कैट फैमिली का, ठीक है, जिसके पास क्या है स्पीसीज है और वो कहलाती है इंडियन एंड साइबेरियन। सो द करेक्ट आंसर इज टाइगर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज एनिमल इज एन ओमनिवोर। सो इनमें से कौन सा एक एनिमल है जो ओमनिवोर है। ओमनिवोर मीन्स द एनिमल्स हु ईट्स प्लांट्स एंड फ्लैश। ओके वो एनिमल जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों चीज खाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बियर। ओके जो बियर है वो दोनों चीज खाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैनी एनिमल्स डील विद द हार्शनेस ऑफ विंटर बाय बिकमिंग डोरमेंट और इनएक्टिव। दिस लॉन्ग स्लीप इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो एक सीजन के लिए, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, वो सोने के लिए चले जाते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं और इनएक्टिव बन जाते हैं। ओके वो एक्टिव नहीं रहते उस टाइम पर। सो ये जो लॉन्ग स्लीप है उनका वो क्या कहलाता है। सो दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। ओके क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैमल्स ले एग्स इंस्टीड ऑफ गिविंग बर्थ। अब इसमें क्या पूछा है, वो कौन से मैमल्स हैं जो बर्थ देने की जगह क्या देते हैं, एग्स देते हैं, एग्स ले करते हैं। सो वो क्या है, दैट इज मोनोट्रमस। ओके नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स बीज एंड मॉस्किटोज क्रिएट अ लाउड बजिंग नॉइज। वो क्या है जो बीज और मॉस्किटोज को क्या करता है, उनको मजबूर करता है लाउड नॉइज करने के लिए, जो वो हमेशा करते रहते ना ये नॉइज कौन करने के लिए कहता है, ऐसी कौन सी चीज है। सो द करेक्ट आंसर इज बीटिंग ऑफ विंग्स। ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क टू मी फ्रीली। सो थैंक यू सो मच।